हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, हाउ टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड उसका परसेंटेज VR का फॉर्मूला, दैट इज़ ई फेस माइनस वी फेस अपॉन वी फेस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब इस वाले लेक्चर में हम करेंगे कि हम वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक है आपका डायरेक्ट लोड टेस्टिंग, एक है आपका इनडायरेक्ट लोड टेस्टिंग। इनडायरेक्ट मेथड आपके और फर्दर कैटेगराइज है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर EMF मेथड। सेकेंड है आपका एम्पियर टर्न मेथड और MMF मेथड। थर्ड है आपका ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर ट्रायंगल मेथड। तो अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सिलेबस में मेंशन है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, MMF मेथड और पोटियर ट्रायंगल मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है क्या, इसको EMF मेथड हम क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या तरीका है, किस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं। तो इस मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक, हम इस मेथड के लिए कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। मेथड का कुछ एडवांटेज भी है, मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वन बाय वन हम चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट क्या हो सकते हैं इस मेथड के लिए। तो सबसे पहला कंटेंट है कि हम DC रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देन हम कैलकुलेशन करेंगे टू फाइंडिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, देन लास्ट में अजम्पशंस क्या होंगे हमारे इस मेथड के लिए। तो एक मैंने इक्वेशन लिखी है कि फॉर एनी सिंक्रोनस जनरेटर फॉलोइंग आर द इक्वेशंस आर गिवन बिलो। तो एक तो EA - ZS IA, ZS क्या है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस, RA प्लस Z टाइम्स ऑफ एक्सेस। तो टेस्ट को हमने परफॉर्म किया, तो सबसे पहले हम करेंगे DC रेजिस्टेंस टेस्ट, देन ओपन सर्किट टेस्ट, देन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। DC रेजिस्टेंस टेस्ट क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस। हम एज्यूम करते हैं दैट द अल्टरनेटर इज स्टार कनेक्टेड, ये हमारा एक अजम्पशन है जो हम बाद में भी इसको मेंशन करेंगे कि जो अल्टरनेटर है वो हमारा कैसा है, स्टार कनेक्टेड। वोल्ट मीटर भी यूज़ किया है इस टेस्ट में और एमीटर भी यूज़ किया है। ठीक, अलग से सेपरेट फील्ड वाइंडिंग भी दिख रही है जिसको हमने DC सप्लाई दे रखी है। अब हमने क्या किया, इन दिस टेस्ट DC रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन ईच पेयर ऑफ टर्मिनल आदर बाय यूजिंग एमीटर वोल्टमीटर मेथड और सिंपली व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि हमने फिजिक्स में स्टडी किया किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर हम DC और AC कंपेयर करें रेजिस्टेंस का, तो AC का रेजिस्टेंस 1.2 to 1.575 टाइम्स ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्किन इफेक्ट। तो एक टिपिकल मान लेते हैं कि हमारा 1.25 टाइम्स है, तो जो वैल्यू निकल के हमने 1.25 से मल्टीप्लाई कर ली। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम इसे लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक, इस टेस्ट को लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टेस्ट से आपने RA की वैल्यू, DC रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देख रहे हो आप वाइंडिंग में RA आपको दिख रहा है, तो आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ DC रेजिस्टेंस टेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट टेस्ट। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो कि हमारा जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर है ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करें।
और हमने एमीटर भी यूज़ किया है, हमने वोल्टमीटर भी यूज़ किया है। हमारा जो आर्मेचर है कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ स्विच एंड अदर टर्मिनल ऑफ द स्विच आर शॉर्ट सर्किट थ्रू एन एमीटर। वोल्टमीटर क्या है, कनेक्टेड अक्रॉस द लाइंस टू मेज़र ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर। ठीक, हमने फील्ड वाइंडिंग यूज़ किए टू एक्साइट द आर्मेचर विथ सुटेबल डीसी सप्लाई, और फील्ड करंट कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। कोई एक रियोस्टेट लगाओ जिससे हम फील्ड करंट वेरी कर सकते हैं। तो हमने सारी सेटिंग्स कर ली। अब इनिशियली आपको क्या करना है, फील्ड करंट को ज़ीरो रखना है। अब फील्ड करंट ज़ीरो होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फील्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे अप टू इट्स रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू से मतलब कि आपका जो अल्टरनेटर होगा उस पर उसकी रेटिंग्स लिखी होंगी कि भाई इसका ईएमएफ इतना है, इसका वोल्टेज इतना है और इतना करंट है, ये सब उस पर ऑलरेडी मेंशन होगा। तो आप ईआईएफ फील्ड करंट की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेंगे अप टू इट्स रेटेड वैल्यू। तो जो आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज फील्ड करंट की इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप ओपन सर्किट वोल्टेज मेज़र करते रहिए और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए लाइक दिस। आपके सामने बनी है, मैंने इसे सीरियल नंबर लिख रखा है, फील्ड करंट लिख रखा है, वीओसी लाइन, क्योंकि आपको जो मिलेगी वो लाइन वैल्यूज़ है, आप इसे रूट थ्री से डिवाइड देंगे तो आपको फेज़ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चार पांच मानो रीडिंग ले ली हमने डिफरेंट फील्ड करंट के लिए, और उससे ओपन सर्किट वोल्टेज वोल्टमीटर को देख के नोट डाउन कर ली और उनको फेज़ में कन्वर्ट कर ली। देन हमने इसका कर्व ड्रॉ कर लिया। तो कर्व आपके सामने इस समय है, सामने बना हुआ है। एक एक्सिस पे आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज है, एक एक्सिस पे आपने फील्ड करंट ले रखा है, और पांच छह रीडिंग लेते हुए आपने ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली। ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक पे। शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक में हमने क्या किया, अगेन क्या किया, आपका अल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगा। सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा पहली चीज़। फील्ड करंट को भी आप भाई स्टेप बाय स्टेप में इंक्रीज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप में इंक्रीज़ करेंगे। तो इस मेथड में क्या किया, अगेन हमारा आईएफ कांस्टेंट है, वो आईएफ को हम स्टेप बाय स्टेप वेरी करेंगे, और अल्टरनेटर के जो आउटपुट है जहाँ पर हमको लोड लगाना है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और वहाँ पर एक एमीटर लगा दिया जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट मेज़र करेगा। देन प्रोसेस या प्रोसीजर सेम ही है, आप फिर से आईएफ को उसकी रेटेड वैल्यू तक इंक्रीज़ करेंगे, वो भी स्टेप्स में, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर एंड गोज ऑन अप टू इट्स रेटेड वैल्यू। और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसमें मैंने आपको दिखा रखी है कि आप एक तरफ फील्ड करंट लेंगे और एक तरफ शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट नथिंग बट द आर्मेचर करंट। ठीक, अब ये रीडिंग्स लेके आप कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से, एक एक्सिस पे आपने आर्मेचर करंट रखा, एक एक्सिस पे आपने फील्ड करंट रखा, और उन रीडिंग की हेल्प से आपने कर्व को ड्रॉ कर लिया। ये है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक। तो इस मेथड में, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में, हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस टेस्ट किया, देन हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया, देन हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया। ये तीनों ही टेस्ट आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लैब में होने हैं, जैसे आप लैब में परफॉर्म करते हो। चूँकि अभी तो हमारा थ्योरेटिकल है तो हमने आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा दी कि ओसी टेस्ट में आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी, एससी टेस्ट में ये ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी, और व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, मतलब आरएफ फाइंड कर लिया। अब हमने ओसी एससी टेस्ट किया क्यों, ओसी एससी टेस्ट परफॉर्म करने के पीछे एक ही रीज़न है, टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस।
अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला टास्क होगा, ये कुछ मेथड्स है कि हमने OC सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, देन SC शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, अब क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। तो सिंपल सा है कि हम उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को आप एक ही कर्व पे ड्रॉ कर लें, लाइक दिस। आपके सामने मैंने दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर ली हैं, एक एक्सिस पे आपका फील्ड करंट, एक एक्सिस पे आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, और उसी पर हमने शॉर्ट सर्किट करंट भी दिखा रखा है IA, और लिखा है बोथ द एक्सिस ऑन द सेम प्लेन, सेम एक्सिस हैं दोनों। अब किसी भी एक फिक्स्ड वैल्यू पर किसकी, करंट की, क्योंकि फील्ड करंट जो है दोनों ही केस में, चाहे शॉर्ट सर्किट हो चाहे ओपन सर्किट हो, उसकी वैल्यू सेम है। तो लेट से वो फील्ड करंट की वैल्यू हमारी OA है, एक पॉइंट A है जहाँ पर मैंने ये वैल्यू मान ली कि ये होगी। अब इस पॉइंट से, A पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची है जिसको शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पे C पॉइंट पे कट किया है और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को B पॉइंट पे कट किया है उसने। तो B पॉइंट से और C पॉइंट्स पे मैंने परपेंडिकुलर VOC पे डाला और आर्मेचर IA पे, जो शॉर्ट सर्किट वाली एक्सिस थी, ठीक। देन हमको पता है कि इम्पीडेंस Z नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं, इस तरीके से, ZS इज इक्वल टू AB अपॉन AC। जब ये फाइंड कर लिया तो हमने ZS फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेस पता है, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट ये भी पता है, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड IF के लिए दोनों ही चीज़ें फाइंड कर ली हैं, तो जब ये चीज़ पता हो गई हमको, ZS पता हो गया, तो RA हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ZS हमने विद द हेल्प ऑफ कर्व कैलकुलेट कर लिया है। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, XS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इस मेथड में अब आपके पास कितना डाटा नोन हो गया है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस और एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तीनों ही चीज़ें हमने फाइंड की विद द हेल्प ऑफ DC रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब क्या करना है हमको, अब हमको ई फेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई फेस। तो हमारी वही इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, लैगिंग के लिए बनाया था, लीडिंग के लिए बनाया था और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको पावर फैक्टर गिविन होगा, या तो लैगिंग होगा या तो लीडिंग होगा। जिस हिसाब से पावर फैक्टर गिविन हो आप वही फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। तो ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू वी फेज कॉस फाई प्लस IARA का स्क्वायर प्लस वी फेज साइन फाई प्लस माइनस IAXS का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे वी फेज आपको नोन है, कैसे, क्योंकि यही तो आपका VOC है, ओपन सर्किट वोल्टेज, कॉस फाई आपको पता है, IA हो गया आपका शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, RA आपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली सेकेंड वाले में आ जाएं तो भी, अगर वी फेज पता है, जब कॉस फाई पता है तो हम आसानी से साइन फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सेस हमने फाइंड कर लिया है। तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ई फेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार जब आपको ई फेज की वैल्यूज मिल गई तो आप परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ई फेज माइनस वी फेज अपॉन वी फेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये था आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन। अब इस मेथड्स में जो हम अजम्पशन की बात कर रहे थे वो हैं आपके, एक पहला अजम्पशन क्या है कि आप ये मान के चल रहे हो कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज़ कांस्टेंट, बट ऐसा है नहीं। फ्लक्स
अंडर टेस्ट कंडीशन इज सेम एज दैट अंडर लोड कंडीशन। ये भी नहीं ऐसा होता है कि फ्लक्स दोनों ही केस में टेस्ट कंडीशन में लोड कंडीशन में सेम रहे। तीसरा है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट एंड दैट द आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप इज एडेड टू द आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। एंड लास्ट है, द मैग्नेटिक रिलक्टेंस टू द आर्मेचर फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द पावर फैक्टर। ये थे हमारे अजम्पशंस। अब इस मेथड में कुछ एडवांटेज, जैसे एडवांटेज क्या है कि हम इम्पीडेंस, सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी लोड कंडीशन, ये इसका एक एडवांटेज है। बट इसके बाद इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट गिव्स लार्ज वैल्यू ऑफ एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, दिस लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ परसेंटेज रेगुलेशन देन द एक्चुअल रिजल्ट। मतलब कि जो इस रिजल्ट से हमको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दिस मैथड इज़ कॉल्ड पैसिमिस्टिक मैथड। नॉर्मली हम कहते हैं निराशावादी, पैसिमिस्टिक मैथड। तो ये था ऑल अबाउट सिंक्रोनस इम्पीडेंस मैथड। एक बार फिर से हम चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं अपने लेक्चर्स में। हमने स्टार्ट किया था वोल्टेज रेगुलेशन, जिसका फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया था। अब इस वाले लेक्चर में हमको मेथड्स के थ्रू वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना था। तो पहला मेथड था हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, दूसरा था हमारा एम्पियर टर्न मेथड, तीसरा था ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड। तो हमने पहला मेथड स्टार्ट किया सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इस मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए हमें जो प्रोसेस अप्लाई करना है या प्रोसीजर अप्लाई करना है वो है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कैलकुलेशन फॉर सिंक्रोनस इम्पीडेंस और अजम्पशन इन द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो सबसे पहले हमने डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट किया। डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट मतलब या तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया होगा या फिर एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज़ किया होगा। इसके हेल्प से हमने RA की वैल्यू फाइंड कर ली, RA की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने साइड में कहीं नोट डाउन कर ली। देन हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, अल्टरनेटर के दोनों टर्मिनल हमने ओपन छोड़ दिए, वहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि वो ओपन सर्किट वोल्टेज मेज़र करे फील्ड वाइंडिंग के लिए, जिसको एक रियोस्टेट से आप वेरी करा सकें IF को। तो प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे पहले फील्ड करंट को ज़ीरो रखा और को उस करंट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ किया टू इट्स रेटेड वैल्यू, और उसके रिगार्डिंग आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली। ठीक उस ऑब्जर्वेशन टेबल के ही रिस्पेक्ट में आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड की और उसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। देन आपने परफॉर्म किया उसके बाद आपने उसका कर्व ड्रॉ कर लिया। देन आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रोसेस क्या है कि आपने अल्टरनेटर के टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, वहाँ मीटर्स लगा दिए, वो मेज़र कर रहे होंगे शॉर्ट सर्किट करंट। प्रोसीजर क्या है, अगेन आपने फील्ड करंट को इनिशियली ज़ीरो रखा, फिर स्टेप बाय स्टेप पे इंक्रीज़ किया टू इट्स रेटेड वैल्यू। जब वो रेटेड वैल्यू पे आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अ मीटर नोट डाउन करते चले जा रहे हो। तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली, सीरियल नंबर लिख लिए, IF की डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक, और उसके रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट करंट। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने ड्रॉ कर ली, जिसे आपने बोला शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को आपने एक सेम प्लेन पे बना लिया। एक तरफ आपका फील्ड करंट हो गया, और जैसे नॉर्मली एक्स एक्सिस पे आपका फील्ड करंट हो गया, वाई एक्सिस पे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। तो एक IF जहाँ पर इट शुड बी सेम फॉर VOC और IA, दोनों के लिए सेम एक IA जो कि हमारा OA, ए से हमने एक लाइन खींची जिसने शॉर्ट सर्किट करंट कैरेक्टरिस्टिक को सी पॉइंट पे कट किया, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को बी पॉइंट पे कट किया। इन दोनों के रिस्पेक्ट पे जो आपको वोल्टेज मिली, ठीक, जो आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मिला AB अपॉन AC,
वो ऑल्सो मैंने रेड कलर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आपने ZS कैलकुलेट कर लिया, कब, जब फील्ड करंट कांस्टेंट हो, ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट फॉर सेम IF। वंस सिंक्रोनस इम्पिडेंस इज नोन, तो आपने RA पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, तो आपने इसकी हेल्प से सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, RA नोन, ZS नोन, XS नोन, तो आपने फॉर्मूला या इक्वेशन का यूज़ करते हुए ई फेज फाइंड कर लिया। वंस ई फेज आपने फाइंड कर लिया, तो आपने परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर दी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी फेज ई फेज माइनस वी फेज अपॉन वी फेज मल्टीप्लाइड बाई 100। देन हमारे क्या एजम्पशंस थे और इस मेथड को मैंने पैसिमिस्टिक मेथड क्यों बोला, क्योंकि हमको जो इसमें रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअल में जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, दैट्स वाई वी कॉल इट पैसिमिस्टिक मेथड। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू।